सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग फिर 79 अंक से आगे पढ़ेंगे। पृष्ठ संख्या 79 से महाभारत की एक सांझ। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच वार्तालाप चल रही थी। दुर्योधन ने कहा था कि सत्य को विचित्र मानकर उड़ा नहीं सकते हो युधिष्ठिर, वनवास तुम्हारे कर्मों का ही फल था, परंतु उसका दोष तुमने मेरे मत्थे मढ़ दिया। तुमने तो उस वनवास में एक एक क्षण युद्ध की तैयारी में लगा दिया। अर्जुन ने तपस्या करके नए नए शस्त्र प्राप्त किए, विराट राज से मैत्री करके नए संबंध बनाए, और अवधि पूर्ण होते ही अभिमन्यु के विवाह के बहाने मित्र राजाओं को तुमने निमंत्रण देकर एकत्रित कर लिया। बताओ युधिष्ठिर, क्या ये सत्य नहीं है? यहां तक हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था। अब हम लोग आगे पृष्ठ संख्या 80 से पढ़ना हम लोग शुरुआत करेंगे। दुर्योधन की इन्हीं बातों को सुनकर युधिष्ठिर कहते हैं, यदि जो कुछ तुम कह रहे हो वह सत्य है तो दुर्योधन तुम मेरा एकदम से विश्वास कर लो। तुमने प्रत्येक घटना के उल्टे अर्थ लगा लिए हैं। जो नहीं है उसे तुमने अपनी कल्पना के द्वारा देखा है। यह सारी बातें एकदम से मिथ्या हैं। तभी दुर्योधन जो है वह कहता है, किंतु यह बात मैं तुम्हारे लिए कह सकता हूं युधिष्ठिर, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मैंने कोई बुरा आचरण तुम्हारे साथ नहीं किया। मैंने एकमात्र अपनी रक्षा की। जब तक तुमने आक्रमण नहीं किया मैं चुपचाप रहा। जब मैंने देखा कि युद्ध एकदम से अनिवार्य है तो फिर विवश होकर वीरोचित कर्तव्य करना पड़ा। वीरोचित का अर्थ होता है जो वीरों के लिए उचित हो। दुर्योधन की बातों को सुनकर युधिष्ठिर कहते हैं, अभिमन्यु का वध क्या वीरोचित था? यहां अभिमन्यु के वध से तात्पर्य यह है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में चक्रव्यूह की गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा चक्रव्यूह की रचना की जाती है, और जैसा कि हम जानते हैं अभिमन्यु उस चक्रव्यूह का भेदन करते हुए अंदर तो पहुंच जाता है परंतु वह बाहर निकल नहीं पाता है, और वहां पर बड़े बड़े महारथी जो वहां पर थे, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, उन सब ने घेर करके अभिमन्यु की हत्या की थी। उसी प्रसंग को यहाँ पर युधिष्ठिर कहते हैं कि अभिमन्यु को घेर कर, निहत्थे अभिमन्यु पर चारों ओर से घेर कर जो उसकी हत्या की गई, क्या वह वीरों के लिए उचित था? तब दुर्योधन कहता है, एक एक बात पर कहाँ तक विचार करोगे युधिष्ठिर? जब भीष्म, द्रोण और कर्ण का वध विरोचित हो सकता है तो फिर अभिमन्यु के वध में ऐसी क्या विशेषता थी? और आज भीमसेन ने मुझे जिस प्रकार पराजित किया वही क्या विरोचित कहलाएगा? यहां दुर्योधन कहना चाहता है कि भीष्म पितामह का किस प्रकार से जो है हत्या की गई, गुरु द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा के नाम पर किस प्रकार से जो है उनकी हत्या की गई, कर्ण जब पहिए को निकाल रहा था उस समय जो है उस पर प्रहार करके उसकी हत्या की गई, क्या वो विरोचित हो सकता है? साथ ही साथ जो है यहां पर दुर्योधन कहता है कि जिस प्रकार से आज अभिमन्यु ने मुझे पराजित किया, मेरे जंघा के निचले, कमर के निचले जंघा पर प्रहार करके मुझे धराशायी कर दिया, क्या वह विरोचित है? क्योंकि गदा युद्ध में कमर से नीचे जो है प्रहार नहीं किया जाता। यहां एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण लगा रहे हैं। दुर्योधन आगे कहता है, मेरे पास अब इतना समय नहीं है कि मैं इन सब बातों की विवेचना करूं। मैं तो सबकी सार बात जानता हूं कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा ही इस नरसंहार का, इस भीषण रक्तपात का मूल कारण था। मैं तो एक निसहाय विवश व्यक्ति की भांति केवल उसमें जूझ पड़ा हूं। तुम्हारे चक्रांत में मेरे लिए पुरस्कार निर्धारित किया गया था,
चक्रांत का यहां पर अर्थ होता है षड्यंत्र, साजिश। यहां दुर्योधन युधिष्ठिर से कहते हैं कि यह सब तुम्हारी ही महत्वाकांक्षा थी, तुमने ही इतना भीषण नरसंहार रक्तपात किया, मैं तो उसमें जूझ पड़ा हूं, तुम्हारे ही षड्यंत्र का नतीजा है कि आज कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं मरणासन की स्थिति में पड़ा हुआ हूं। दुर्योधन की इन्हीं बातों को सुनकर युधिष्ठिर कहते हैं कि हे सुयोधन, तुम्हें भ्रांति हो गई है, लगता है तुम्हें तुम सोच नहीं पा रहे हो, तुम्हारे मन में संदेह हो रहा है, तुम सत्य और झूठ का भेद करने में असमर्थ हो, तुम्हारे मस्तिष्क की यह दशा सचमुच दयनीय है। युधिष्ठिर की इन्हीं बातों को सुनते ही दुर्योधन कह उठते हैं कि बड़े निठुर हो युधिष्ठिर, मरणोन्मुख। मरणोन्मुख का अर्थ होता है कि जो मृत्यु के एकदम नजदीक हो। यहां वह जो है अपने लिए कहते हैं कि मरणोन्मुख भाई से दुराव करते तुम्हारा हृदय नहीं पसीजता, कुछ क्षणों में मैं इस लोक की सीमाओं के परे पहुंच जाऊंगा, अर्थात मैं मर जाऊंगा, मेरे सम्मुख यदि तुम सत्य स्वीकार भी कर लोगे तुम्हारे राजस्व की कोई हानि न पहुंचेगी। और जैसा कि दुर्योधन कराता है, फिर आगे वह कहता है कि पर नहीं, मैं तो भूल गया हूं, तुम तो अपने शत्रु की इस विकल मृत्यु पर प्रसन्न हो रहे होगे, आज मैं मरणोन्मुख हूं, मरने के एकदम नजदीक हूं, तुम क्यों सत्य स्वीकार करोगे, तुम तो अभी प्रसन्न हो रहे होगे, तुम तो अपने शत्रु की इस विकल मृत्यु पर खुश हो रहे होगे, आज वह हुआ जो तुम चाहते थे और जो मैं नहीं चाहता था। मैंने अपने संपूर्ण जीवन का एक एक पल तुम्हारी महत्वाकांक्षा की टकराहट से बचने में लगा दिया, परंतु मेरे सारे प्रयत्न जो है बेकार हो गए। वह देखो, अब अंधेरा बढ़ता चला आ रहा है, शाम हो रही है, मेरे जीवन की अंतिम सांझ। यहां दुर्योधन कहता है कि अब मैं एकदम मरने के नजदीक हूं और मैं इस लोक को छोड़कर जा रहा हूं। तभी जैसा कि हम देखते हैं पृष्ठभूमि में सारंगी पर करुण आलाप चढ़ जाता है और उधर वे मेघ घिरे, इधर दुर्योधन अपनी बातों को बढ़ाते हुए कहता है और उधर वे देखो बादल घिरा रहे हैं, द्रौपदी के बिखरे केशों की तरह भांति वे मुझे निगल लेंगे। युधिष्ठिर जाओ जाओ, मुझे मरने दो, तुम अपनी महत्वाकांक्षाओं को फलते फूलते देखो, तुमने जो सोचा हस्तिनापुर राज्य पाने का, वह तुम्हारी जो महत्वाकांक्षा है वह फल फूल रही है, तुम मुझे अब मरने के लिए छोड़ दो, तुम यहां से चले जाओ, गुरुजनों और बंधु बांधवों से रक्त के अभिषेक कर राज सिंहासन पर विराजो, मैं तुम्हारे चरणों से रोंदे हुए कांटों की भांति तुम्हारे मार्ग से हट जाता हूं। यहां पर दुर्योधन कहते हैं कि मुझे मरने दो, तुम अपनी महत्वाकांक्षा को अब तुम जो है फलते फूलते देखो, चले जाओ यहां से, गुरुजनों और बंधु बांधव जो उनके खून से अब तुम अपना राज तिलक चढ़ाओ, सिंहासन पर बैठो, मैं तो तुम्हारे चरणों में रोंदे हुए कांटे की तरह तुम्हारे मार्ग से हट जाता हूं। दुर्योधन की इन्हीं बातों को सुन करके युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे भाई इतने उत्तेजित न हो, वीरों की तरह धैर्य रखो, शांत हो जाओ। युधिष्ठिर की इस बात को सुनते ही दुर्योधन कह उठते हैं, घबराओ नहीं युधिष्ठिर, मेरी शांति के लिए तुम जो उपाय कर चुके हो वह अचूक है, तुमने तो मुझे मरने के नजदीक पहुंच दिया है, तुम तो मुझे शांति देना ही चाहते हो और तुमने तो जो इस अवस्था में जो मुझे इस कुरुक्षेत्र के मैदान पर ला करके रख दिया है वह तो बड़ा ही अचूक है, दो क्षण और रुक जाओ फिर मैं सदा के लिए एकदम से शांत हो जाऊंगा। तुम मुझे कहते हो वीरों की तरह धैर्य रखो, शांत हो जाओ, मैं तो अपने जीवन से सदा के लिए शांत होने जा रहा हूं, पर अंतिम सांस निकलने से पहले युधिष्ठिर एक बात मैं तुमसे कहे जाता हूं, तुम पश्चाताप की बात पूछने आए थे ना, मेरे मन में कोई पश्चाताप नहीं है कि इस तुम
यह कहने के लिए आए थे कि यह जो महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें इतने स्वजन परिजन सगे संबंधी मारे गए, इन सब का जो है तुमने जो है मेरे मत्थे पर जो है कलंक डालना चाहा कि इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ था, उस बात के लिए शायद तुम मुझसे पश्चाताप कराने आए थे। लेकिन मेरे मन में कोई पश्चाताप नहीं है, मैंने कोई भूल नहीं की है, मैंने भय से तुम्हारी शरण नहीं मांगी। अंत तक तुमसे मैं युद्ध मैंने किया और वीर गति पाकर अब स्वर्ग को जाता हूं। समझे युधिष्ठिर, मुझे अब मेरे मन में कोई ग्लानि नहीं है, कोई पश्चाताप है ही नहीं, केवल एक ही दुख जो है मेरे साथ चला जाएगा। दुर्योधन जब कहता है कि मेरे साथ केवल एक दुख ही जाएगा, युधिष्ठिर अनायास जो है कह उठते हैं कि क्या जाएगा, क्या तुम्हारा तुम्हारे मन में दुख है? और दुर्योधन के मुख से जो है वह निकलते हैं कि यही कि मेरे पिता अंधे क्यों हुए, नहीं तो, नहीं तो। और इतना कहते ही दुर्योधन स्वर्ग सिधार जाता है। इस प्रसंग में दुर्योधन कहना चाहता है कि अगर मेरे पिता जन्मांध न होते तो शायद हस्तिनापुर का राज्य उन्हें ही प्राप्त होता और उनका ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण जो है यह सिंहासन मुझे मिलता, परंतु ऐसा न हुआ। मेरे पिता जन्मांध हुए और बाद में जो है राज सिंहासन राजा पांडु को मिल गया और पांडु के पश्चात जो है तुम जो है सामने आ गए। अगर मेरे पिता अंधे ना होते तो यह जो दुख है वह दुर्योधन के मन में है कि मेरे पिता जन्मांध आखिर क्यों हुए। इस तरह से यह पाठ जो है महाभारत की एक सांझ समाप्त हो जाती है। इस पृष्ठ संख्या से 80 से 81 जो आज हम लोगों ने अंतिम आज जो पढ़ा उसमें मैंने एक प्रश्न जो है दिया है, वह आप लोग जो है वेबसाइट में ही होमवर्क में 6 to 12 में देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 4 करके मैंने दिया है। आशा करता हूं कि आप लोग सभी जो है उसे कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।